चचेरे भाइयों के चर्चित डबल मर्डर में शामिल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को जंगहा पुलिस ने शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। रामलखना गांव का रहने वाला आरोपित वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। वारदात में शामिल रहे दो अन्य आरोपितों पर भी पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, खोराबार के रामनगर करजहां गांव के रहने वाले चचेरे भाई दिवाकर निषाद और कृष्णा की 24 मई को जंगहा थाना क्षेत्र के गौरी घाट में बांध किनारे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने शराब की दावत के बहाने दोनों को बुलाया था। 31 मई को क्राइम ब्रांच की मदद से जंगहा पुलिस ने 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया था। वहीं वारदात में शामिल रहे जंगल रामलखना निवासी शनि पासवान, राहुल कट्टा और विक्कू पासवान फरार चल रहे थे। शुक्रवार की रात जंगहा पुलिस ने रामलखना निवासी शनि पासवान को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि चचेरे भाइयों की हत्या महाकाल और महादेव ग्रुप के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी। दोनों भाई एक ग्रुप से जुड़े थे, दूसरे ग्रुप के लोगों से कई बार उनका विवाद हुआ था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, जैसे कि आप अवगत हैं कि 24/5 को एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसके विषय में 6 अभियुक्तों को जो है पहले हम लोग जेल भेज चुके हैं। आज उसमें से एक अभियुक्त सन्नी पासवान सन्नाप शंकर, इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। इसको गिरफ्तार करने में जंगहा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और इसे आज जेल भेजा जा रहा है। हत्या का पूर्व में ही बताया जा चुका है कि नई उम्र के लड़के थे, उदंड और युवा किस्म के, और इनके पारस्परिक वर्चस्व को लेकर जो है हत्याकांड हुआ था। इसमें 3 अपराधी शेष हैं जिन पर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।